हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में शूर वंश। इससे पहले हम लोग मुगल वंश पढ़ रहे थे, तो मुगल वंश के दो वीडियो हम लोगों ने देखे थे जिसमें बाबर और हुमायूं के संबंध में पढ़ा था। हुमायूं का ही समकालीन था कौन? शेरशाह सूरी, जिसने शूर वंश की स्थापना की थी। तो वास्तव में ये मुगलों के बीच का एक दौर आया था जब कुछ वर्षों के लिए दिल्ली के राजगद्दी पर शूर वंश की स्थापना हुई थी और मुगल सत्ता का कुछ दिनों के लिए समापन हो जाता है दिल्ली की राजगद्दी से। तो इसी बीच में जो ये शूर वंश स्थापित होते हैं, इसके संस्थापक शेरशाह सूरी हैं, वो भारत के एक प्रमुख महान शासकों में गिने जाते हैं। तो इसके द्वारा किए गए कुछ कार्य, इनके द्वारा लड़े गए कुछ लड़ाइयाँ और कुछ ऐसे बिंदु हैं जो अलग अलग एग्जाम में प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए कार्य कहे जाते हैं कि अकबर के जो है अग्रगामी थे, अर्थात अकबर इन्हीं से प्रेरित होकर के अपने कई सुधारों को अपने जीवन में शामिल करता है। तो इस प्रकार शेरशाह सूरी का शासनकाल कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में हम लोग शूर वंश और शेरशाह सूरी तथा उसके वंशजों के संबंध में पढ़ेंगे। शूर वंश, जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी 1540 ईस्वी में, यह 1555 ईस्वी तक दिल्ली में स्थापित होता है। तो मात्र 15 वंशों के लिए ये वंश जो है दिल्ली के सत्ता में उभर करके सामने आता है। इसके संस्थापक थे शेरशाह सूरी, जो मात्र 1540 से लेकर के 1545 तक ही दिल्ली की राजगद्दी पर शासन कर पाता है। हालांकि इसका शासन क्षेत्र जो है वो लंबा रहा, लेकिन दिल्ली की राजगद्दी पर मात्र 5 वर्षों का रहा। तो शेरशाह सूरी, यानी जिसे शेर खां के नाम से भी जाना जाता है, फरीद के नाम से भी जाना जाता है, इसके लंबे शासनकाल के दौरान कई प्रश्न बनते हैं। तो आइए इनके विभिन्न बिंदुओं को अलग अलग पॉइंट में हम लोग बांट के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उनके परिचय और प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जहां से कुछ बिंदु हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद भारत में उनके प्रारंभिक संघर्ष और बाद में जब वह शूर साम्राज्य की स्थापना करते हैं तो साम्राज्य विस्तार के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, तथा सबसे लास्ट में देखेंगे कि शेरशाह के उत्तराधिकारियों के संबंध में। पूरे वीडियो को देखते देखते आपको सारे पॉइंट्स और पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शेरशाह सूरी के जन्म के संबंध में अलग अलग बिंदु हैं। प्रोफेसर परमात्मा शरण कहते हैं कि इनका जन्म जो है वो 1472 ईस्वी में हुआ था, जबकि इतिहासकार कानूनगो का मानना है कि इनका जन्म जो है वो 1486 ईस्वी में हुआ था। तो कुछ डिबेटफुल होने के कारण ये प्रश्न बहुत ही कम एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन अगर इतिहासकार का नाम लिख करके पूछा जाएगा तो आप इस बिंदु का जिक्र कर सकते हैं कि परमात्मा शरण के अनुसार 1472 में इनका जन्म हुआ था, जबकि डॉक्टर कानूनगो के अनुसार 1486 में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था, ये भी कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव रूप में, तो इसे याद रख सकते हैं। इनके पिता हसन खां थे, जो सासाराम के जमींदार थे, बिहार के सासाराम के ये जमींदार थे और इन्हीं का पुत्र था फरीद खां। इनके पिता के बारे में मैं बता दूं कि इनकी पिता की 4 शादियाँ थी और 8 लड़के थे और ये पहली पत्नी के पुत्र थे। तो जो हसन खां थे वो अपनी चौथी पत्नी से ज़्यादा प्रेम करते थे और अपने दूसरों बच्चों को ज़्यादा मानते थे। नतीजा ये था कि पिता के साथ हसन खां के साथ फरीद का संबंध जो है वो प्रारंभिक दौर में अच्छा नहीं था, यानी शुरुआती जीवन जो है वो कई तरह की कठिनाइयों से बीता था। बात करें तो कहा जाता है कि अपने पिता से नाराज होकर के लगभग 20 वर्ष की आयु में जो है वो भाग करके जो है जौनपुर चला जाता है और जहाँ पर जा करके वो शिक्षा ग्रहण करता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि शेरशाह सूरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी। तो अपने पिता से नाराज होकर के भाग जाने के बाद उसने जौनपुर जा करके अरबी, फारसी और कई भाषाओं की जानकारी और ज्ञान अर्जित किए। तो एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान शासक के रूप में जाना जाता है शेरशाह सूरी को। इसके अलावा उसे एक उपाधि मिली थी शेर खां की, तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किसके द्वारा दी गई थी, तो वो दी गई थी बहार खां लोहानी के द्वारा, जो दक्षिण बिहार का सूबेदार हुआ करता था। तो आइए इन बिंदुओं को समझने के बाद बढ़ते हैं इसके प्रारंभिक कहानियों की ओर। कहा जाता है कि जौनपुर में शिक्षा के क्रम में एक सूबेदार ने यह माना कि नहीं, ये बहुत ही योग्य है और उसने इसके पिता के साथ संबंधों को ठीक करवा दिया। परिणाम स्वरूप उसके पिता ने उसे सासाराम की जागीदार में सहयोग करने के लिए बुला लिया और इस प्रकार से 1497 से लेकर के 1518 ईस्वी तक वह अपने पिता के साथ उसकी जागीर संभालने लगा और सासाराम में उसकी देखभाल करने लगा। लेकिन फिर उसके पिता के साथ संबंध खराब होने लगते हैं। इसका मूल कारण था उसके सौतेले भाई एवं सौतेली माता,
नतीजा ये होता है कि शेरशाह सूरी यानी फरीद नाराज़ होकर के वहाँ से चल देता है। वहाँ से नाराज़ होकर के वो पहुँचता है दक्षिण बिहार के एक सूबेदार के दरबार में, जिसका नाम था बहार खान लोहानी। इसी बहार खान लोहानी के यहाँ वह नौकरी करने लगता है। अब दक्षिण बिहार के इस सूबेदार के यहाँ नौकरी करने के क्रम में उसने एक शेर को निहत्थे ही, ये दो तरह की कहानियाँ हैं, एक कही जाती है कि उसने बिना किसी हथियार के उसकी हत्या कर दी थी और एक कहा जाता है कि तलवार के एक धार से ही उसकी हत्या कर दी थी। नतीजा ये हुआ था कि बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि से वशीभूत किया था, तो यहाँ से उसका नाम फरीद से हो जाता है शेर खां। वह इसी प्रकार से यहाँ पर उसकी सेवा करने लगता है, लेकिन इस क्रम में क्या होता है कि बहार खां लोहानी अपना नाम बदल करके कर लेता है मोहम्मद शाह, और दक्षिण जो बिहार था वहाँ का उसने अपने आप को शासक घोषित कर लिया, और शेर खां यहाँ से भाग जाता है। क्या होता है कि जो इसके दरबार में रहने वाले लोग थे बहार खां लोहानी के, वो भड़काना शुरू करता है शेर शाह के खिलाफ बहार खां लोहानी को कि यह आपको कभी भी हटा सकता है, आपको कभी भी धोखा दे सकता है। यह सब उसको कान भरे जाते हैं बहार खां लोहानी के। परिणाम स्वरूप शेर खां वहां से भाग करके चला जाता है मुगलों के शरण में, और वह जा करके मुगल सेना में शामिल हो जाता है जब बाबर भारत में शासन करने के लिए आ चुका था। और बाबर आने के बाद कई सेना टुकड़ियां बना रहा था क्योंकि उसे भारत में कई लड़ाइयां लड़नी थी। उसी समय शेर खां बाबर के सेना में जाकर के शामिल हो जाता है। सेना के क्रम में शामिल होने के बाद एक युद्ध आपने पढ़ा था, चंदेरी का युद्ध। उस चंदेरी के युद्ध में जब जाकर के बाबर के सेना में शामिल होता है शेर खां, तो वह पूरी युद्ध कला को सीखता है कि कैसे, और या फिर मुगल कैसे सत्ता संभालने के लिए युद्ध लड़ते हैं। नतीजा ये होता है कि वह मुगलों की युद्ध कला के शैली को सीख जाता है, और कहा जाता है कि इसी चंदेरी के युद्ध के समय शेर खां ने एक वाक्य कहा था जो कि कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। ये वाक्य जो है इसी चंदेरी के युद्ध के समय जो है शेर शाह सूरी ने कहा था, अर्थात उसकी ये मंशा थी कि मुगल उतने भी ताकतवर नहीं है जितने वो दिखाई देते हैं, यानी अगर मुझे अच्छा सहयोग मिला और मेरा किस्मत ठीक रहा तो मैं मुगलों को भारत से बाहर करने में सफल हो जाऊँगा। इस चंदेरी के युद्ध के बाद पुनः भाग करके शेर खां पहुंच जाता है दक्षिण बिहार में ही उसी मोहम्मद शाह के दरबार में, यानी बहार खां लोहानी के दरबार में जिसके दरबार से वो भाग के गया था। फिर से मोहम्मद शाह यानी बहार खां लोहानी उसको स्वीकार कर लेता है और अपने पुत्र जिसका नाम था जलाल खां उसका संरक्षक बना करके फिर से रख लेता है। इससे पहले भी वो संरक्षक के रूप में ही वहाँ पर कार्य कर रहा होता है। लेकिन इसी दौरान एक अच्छी घटना घटती है शेर खां के लिए कि मोहम्मद खां की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है, जलाल खां का नेतृत्व करने के साथ साथ अब शेर खां के पास एक ऑप्शन होता है उस पूरे साम्राज्य पर अधिकार कर लेने का। ऐसे क्रम में क्या होता है, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसकी विधवा दूदू बेगम, ये याद रखिएगा, नाम याद रख सकते हैं, दूदू बेगम से शेर खां ने विवाह कर लिया। अब शेर खां विवाह कर लेता है तो इस प्रकार से वो साम्राज्य एक प्रकार से उसी का हो जाता है, और वह जलाल खां के संरक्षण के रूप में वहां का प्रधान शासक बन जाता है। लेकिन वहां के कई सरदार इस बात से खुश नहीं होते हैं क्योंकि शेर खां अभी कुछ दिनों पहले मुगल दरबार में था और आकर के यहां पे शासक की तरह काम करने लगा। स्वाभाविक था कि बाकी सरदार इस बात से खुश नहीं थे। नतीजा ये होता है कि कुछ सरदारों के साथ जलाल खां जो कि बहार खां लोहानी का पुत्र था वह बंगाल भाग जाता है, तो अफगान सरदारों के साथ वह बंगाल भाग गया। ऐसे में शेर खां के पास खुला मंच था कि वो पूरी तरह से सत्ता अपने पक्ष में कर ले। नतीजा ये निकला कि उसने पूरी तरह से अधिकार कर लिया दक्षिण बिहार के उस साम्राज्य पर, और इस प्रकार से वह दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन गया, और इस क्रम में उसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की। तो इस प्रकार से उसने एक साम्राज्य तो प्राप्त कर लिया। इसी बीच चुनार जो कि अवध के क्षेत्र में था, वहाँ 1530 में एक घटना घटी कि चुनार के किलेदार ताज खां, याद रखिएगा ताज खां जो चुनार के किले का सूबेदार था, उसकी मृत्यु हो जाती है।
तो उसकी जो पत्नी थी जिसकी नाम था लॉर्ड मलिका या लॉर्ड बेगम भी कहते हैं, लॉर्ड मलिका के साथ वह जा करके विवाह कर लेता है। और इस प्रकार से उसने दो विधवाओं के साथ विवाह कर दो जगह के साम्राज्य प्राप्त कर लिए। दक्षिण बिहार के विधवा जिसका नाम था दूदू बेगम, उसके साथ उसने विवाह करके दक्षिण बिहार का साम्राज्य प्राप्त किया था। उसी तरह से उसने अवध के क्षेत्र में चुनार के किले के सूबेदार ताज खां की विधवा लॉर्ड मलिका से विवाह करके उसने चुनार के किले पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार से उसने विवाह के माध्यम से एक अच्छा खासा साम्राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन अब उसके सामने आई असली चुनौतियाँ। क्या थी प्रारंभिक उसके संघर्ष? तो यहाँ पर आपने देखा कि शेर खां एक फरीद खां के नाम से जन्म लेता है और प्रारंभिक जीवन में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए वो दो किले के मालिक बन जाता है और दो साम्राज्य संभालने लगता है। इसी क्रम में हुमायूं मुगल सत्ता का शासक बन चुका था 1530 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु हो चुकी थी, अब हुमायूं आता है इन अफगानों को सफ़क सिखाने के लिए। 1532 ईस्वी में आपने कल के वीडियो में पढ़ा था कि दोहारिया का एक युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया था। इस महमूद लोदी के सहयोग करने के लिए अफगान शासक होने के नाते शेर खां ने भी इनका सहयोग किया। हालांकि जब महमूद लोदी हार जाता है तो वह भाग जाता है और शेर शाह चला आता है कहाँ पे? अपने चुनार के किले में। तो चुनार के किले में वो वापस चला आता है। पीछा करते हुए 1532 ईस्वी में ही हुमायूं चुनार के किले पर घेरा डालता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। परिणाम स्वरूप एक संधि होती है और संधि के तहत हुमायूं के दरबार में कुतुब खान, जो शेर खां का बेटा था, उसको 5000 सिपाहियों के साथ भेज दिया जाता है। इस प्रकार से ये संधि जो है वो बचा लेता है शेर खां को। और कहा जाता है कि हुमायूं के जीवन की प्रमुख गलतियों में से एक गलती यही थी कि अगर वो ये यहाँ चाहता तो चुनार के किले को घेरा था तो वो चुनार के किले पर आक्रमण कर उसे जीत लेता और शेर खां को उसी समय दंडित कर उसके भविष्य को समाप्त कर सकता था। लेकिन संधि कर उसने शेर खां को मौका दिया, जो बाद में चल करके शेर शाह सूरी के नाम से सूर वंश की स्थापना कर देता है। तो आइए आगे देखते हैं। अब इस बीच जब हुमायूं वापस चला जाता है तो शेर खां के पास अवसर होता है अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने का। उसने कुछ युद्ध लड़े। एक सूरजगढ़ का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूरजगढ़ के युद्ध में शेर खां ने बंगाल को पराजित किया। 1534 में उसने बंगाल के क्षेत्र पर आक्रमण कर बंगाल को जीत लिया। इस प्रकार से वो बिहार, बंगाल और चुनार तक के अवध के क्षेत्र तक का साम्राज्य पूरे अपने अधिकार में कर लेता है। तो एक बड़ा सा साम्राज्य उसके सामने चला आता है। इस समय 1534-35 के समय हुमायूं गुजरात के क्षेत्र में युद्ध में बिजी था। जब वहाँ से वो बहादुर शाह से लड़के वापस आता है तब वह शेर शाह को मजा चखाने के लिए बिहार की ओर बढ़ता है। और इस क्रम में हुमायूं के साथ दो संघर्ष होते हैं शेर शाह के, जो कि आपने पिछले वीडियो में भी देखे। सबसे महत्वपूर्ण था चौसा। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ जिसमें शेर शाह की उपाधि उसने धारण की और उसने हुमायूं को पराजित कर दिया। लेकिन निजाम नामक भिस्ती के सहयोग से हुमायूं बचकर निकलने में सफल हो जाता है। इसके अलावा वह आगे पीछा करते हुए कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में। इस युद्ध में पूरी तरह से हुमायूं पराजित हो जाता है और उसे भारत छोड़ना पड़ता है। और ये कहानी हमने हुमायूं संबंधी वीडियो में देख लिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो इस प्रकार से वह भाग करके चला जाता है सिंध के प्रदेश में और भारत में सूर वंश की स्थापना हो जाती है, जो सूर वंश 1540 से 1555 तक चला। यहाँ मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ कि इस युद्ध के बाद मुगल सत्ता की समाप्ति हो गई थी। तो एक प्रश्न आता है कि हुमायूं के समय किस युद्ध के साथ मुगल सत्ता की समाप्ति हुई? तो कन्नौज या बिलग्राम युद्ध के साथ। और किस वक्त युद्ध के साथ सूरवंश की स्थापना हुई? तो यह भी है कन्नौज या बिलग्राम युद्ध के साथ। और इस युद्ध के साथ ही सूरवंश की स्थापना हो गई।
सूर्यवंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं शेरशाह सूरी, जो थे एक अफगान मुसलमान। और हम लोगों ने सल्तनत काल में पढ़ा था कि लोदी वंश वह एकमात्र वंश था जो अफगान सत्ता के रूप में जाना जाता था। इस प्रकार से दूसरा अफगान वंश जो है वो सूर्यवंश या सूरी वंश को ही माना जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है जिसे आप ध्यान में रखेंगे कि दिल्ली के क्षेत्र में दूसरा अफगान वंश के रूप में स्थापित हुआ था शेरशाह सूरी के द्वारा सूर्यवंश। अब आते हैं कि शासक बनने के बाद शेरशाह सूरी ने किस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। यहाँ पर मैं दो बिंदु की ओर ध्यान आपका आकर्षित करूँगा जिसे आप याद रखेंगे कि फरीद खां कब बनता है शेर खां, तो वह शेर खां बनता है बहार खां लोहानी के उपाधि के बाद। और फरीद जो शेर खां बन चुका था, शेरशाह सूरी कब बन जाता है, तो शेरशाह सूरी बन जाता है चौसा के युद्ध के बाद। तो यहाँ से हम लोग उसे शेरशाह सूरी के रूप में पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी ने साम्राज्य प्राप्त करने के साथ ही हुमायूं को पूरी तरह से भारत से बाहर धकेलने में सफल रहा। हुमायूं पूरी तरह से भारत से बाहर सिंध क्षेत्रों में जाकर के बस जाता है। उस सिंध क्षेत्रों में एक पेशावर के क्षेत्रों में एक गखड़ जाति थी जिनके द्वारा हुमायूं को सपोर्ट किया जाता था या मुगलों के पक्षधर थे। ऐसे में सबसे पहले शासक बनते ही शेर शाह ने यह प्रयास किया कि गखड़ जातियों को भारत से बाहर रखा जाए या इनको दबा दिया जाए। इसके लिए उसने 1541 में इस गखड़ प्रदेश पेशावर के क्षेत्र में आक्रमण किया और इन जनजातियों को पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया। हालांकि वह काफ़ी हद तक इसमें सफल रहा, लेकिन वह पूरी तरह से इसे दबा नहीं पाया था। सत्ता में आने के बाद उसने भारत के बचे खुचे हिस्से को भी जीतने का प्रयास किया। इसी क्रम में जब वह अफगान सत्ता के रूप में दिल्ली में शासक करने आता है तो बंगाल के क्षेत्रों में एक विद्रोह उभर जाता है, क्योंकि बंगाल का शासन भी पहले शेरशाह सूरी के ही हाथों में था। लेकिन शेर खां के दिल्ली आने के बाद जब बंगाल में विद्रोह हुआ तो उसे दबाने के लिए स्वयं शेरशाह गया और 1541 में उसने इस विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद एक मालवा का युद्ध हुआ जिसमें मालवा के मल्लू खां, जिसका नाम कादिर खां था, ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब मालवा पर हमला किया शेरशाह सूरी ने, तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया 1542 में। इस तरह से देखते ही देखते कई क्षेत्रों में आक्रमण करके शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। शेरशाह सूरी को एक बात और पता था कि वह मुगलों को तो भारत से बाहर कर चुका है, अब अगर वास्तव में उसे किसी से डर है तो वह है राजपूत से। इसलिए उसने कई राजपूत क्षेत्रों पर भी अभियान चलाए और उसे भी अपने अधीन करने का प्रयास किया। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है एक रायसीन पर उसने 1543 में एक अभियान चलाया जहां का राजा पूरनमल था। यहां की एक रोचक कहानी है जिसे आपको जानना चाहिए। रायसीन क्षेत्र में जब शेर खां ने आक्रमण किया तो वह किले के बाहर पहुंच गया। किले के चारों तरफ से घेराबंदी कर ली गई और वह किले को जीत नहीं पा रहा था। और किले के अंदर राजा पूरनमल अंदर थे और बहुत सारे राजपूत सूबेदार और राजपूत महिलाएँ उस किले के अंदर थीं। युद्ध नहीं हो रहा था, बाहर घेराबंदी चल रही थी। कुछ दिनों के बाद एक संधि पत्र तैयार किया गया, कोशिश किया गया कि संधि कर ली जाए, लेकिन राजा पूरनमल तैयार नहीं हो रहे थे संधि के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं शेर खां हमारे साथ विश्वासघात न कर दे। ऐसे में शेर खां ने क्या किया कि कुरान पर हाथ रख करके कसम खाई कि हम राजपूत यदि ये किले हमें सौंप देते हैं तो हम उनका आक्रमण नहीं करेंगे, हम उनका वध नहीं करेंगे, हम उन्हें मारेंगे नहीं, केवल किला ले लेंगे और पैसे लेकर के छोड़ देंगे। नतीजा ये हुआ कि संधि हो गई और पूरनमल महल छोड़ करके बाहर आ गए। बाहर आने के बाद वो लोग एक कैंप में रुके, लेकिन शेर खां ने रात को कैंप को घेर लिया और लोगों को मारने का प्रयास किया। राजपूतों को इसकी भनक मिल गई। राजपूतों ने सबसे पहले अपने जितने भी परिवार की महिलाएं थीं उनको स्वयं मार दिया या उन्हें जौहर करने के लिए प्रेरित किया, और बाद में शेर खां का मुकाबला किया, लेकिन वह बुरी तरह से पराजित हो गए। इस घटना को शेर खां की सबसे बड़ी भूल या उसके पूरे जीवन पर एक दाग के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि इस घटना का एक साक्षी था कुतुब खां, जो जिस समय कुरान पर शपथ ले रहा था शेरशाह सूरी, वह वहीं पे मौजूद था और वह उसका गवाह था। बाद में कुतुब खां को इतनी आत्मग्लानी महसूस होती है कि वह आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि शेर खां ने अपने वादे को सही ढंग से नहीं निभाया था।
इसके अलावा एक मारवाड़ के साथ युद्ध है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसे याद रखेंगे। ये 1544 में हुआ था, उसकी मृत्यु से एक साल पहले। ये वहाँ के राजा थे मालदेव, जोधपुर के क्षेत्र का एक शासक थे जो मारवाड़ क्षेत्र के राजपूत राज्य था, और इसके शासक थे राजा मालदेव। राजा मालदेव के खिलाफ भी शेर शाह ने चाल चली। कहा जाता है कि इस युद्ध के बारे में भी लगा था उसे कि कहीं वो इसे आसानी से ना जीत सके, इसलिए उसने एक चाल चली। शेर शाह ने एक फर्जी लेटर तैयार किया जिसमें उसने राजा के जो राजा मालदेव थे उनके सरदारों की तरफ से एक लेटर लिख दिया कि जब युद्ध होगा तो हम कोशिश करेंगे कि राजा मालदेव को शेर शाह सूरी को समर्पित कर दे और शेर शाह से मिल जाए। यह लेटर शेर शाह सूरी द्वारा खुद तैयार करवाया गया और किसी अन्य माध्यम से राजा मालदेव के पास पहुंचा दिया गया। इस प्रकार से राजा मालदेव को अपने सूबेदारों पर भरोसा नहीं रहा और उसने युद्ध नहीं करने का फैसला लिया। लेकिन उसके सूबेदार, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है सूबेदार जैता और कुंपा, ये सूबेदार इस बात को पता चला उन्हें, तो उन्होंने अपनी क्षत्रियता को साबित करने के लिए, अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए, अपने राजभक्ति को साबित करने के लिए उसने शेर शाह सूरी से युद्ध का निर्णय लिया। और कहा जाता है कि बहुत ही भीषण युद्ध लड़ा और शेर शाह को काफ़ी हद तक परेशान कर दिया गया, लेकिन जैता और कुंपा मारे गए और युद्ध में शेर शाह सूरी की जीत हो गई। तो यहाँ भी काफ़ी चालाकी से मारवाड़ के क्षेत्र को जीतने में सफल हुआ था शेर शाह सूरी, लेकिन जीतने के बाद राजपूतों की वीरता से वह इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने एक वाक्य कही जिसको आपको याद रखना है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के साम्राज्य को प्रायः खो चुका था। यानी वह इस वीरता को देख करके यह महसूस करता है कि अगर थोड़ा सा और अधिक युद्ध चलता तो शायद हम लोग पराजित हो जाते और यह मारवाड़ जीत जाते। इस प्रकार से यह छोटे से साम्राज्य के लिए मैं पूरे भारत जैसे विशाल साम्राज्य को गंवा बैठता। तो कई बार ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान साम्राज्य खो बैठता, किसने कहा है? शेर शाह सूरी ने। और किस युद्ध में कहा है? तो मारवाड़ के विरुद्ध युद्ध 1544 में उसने कहा था। इसके बाद अंतिम वर्ष, यहाँ पे एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि चूंकि शेर शाह सूरी जो है ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहा था, 1544 में ये युद्ध लड़ा, 1545 में वो मर गया। इस प्रकार मात्र एक वर्ष बाद पुनः राजा मालदेव उसकी मृत्यु के बाद वापस आता है और मारवाड़ क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। इस प्रकार से मारवाड़ क्षेत्र पुनः राजपूतों के नियंत्रण में चला जाता है। अब बात करते हैं कलिंजर का युद्ध, जो कि शेर शाह सूरी के जीवन का अंतिम युद्ध बन गया। कलिंजर जो बुंदेलखंड में स्थित था और इसके राजा थे कीरत सिंह, इसके विरुद्ध उसने आक्रमण किया। युद्ध के क्रम में इसने चारों तरफ से किले को घेर लिया और घेर करके युद्ध का प्रयास किया, लेकिन राजा कीरत सिंह किले के अंदर थे। नतीजा ये हुआ कि उसने आदेश दिया कि तोप और गोले की सहायता से किले की दीवारों को तोड़ दिया जाए, लेकिन इसी बीच एक तोप का गोला दीवार से जा करके टकरा के वापस आ गया और गोला वापस आ करके जहाँ पे बारूद रखे गए थे उसी में फट गया और उसी के आसपास खड़ा था शेर शाह सूरी और वह पूरी तरह से घायल होकर के जख्मी होकर के गिर गया। लेकिन थोड़ी ही देर में किले की दीवार तोड़ दी गई, कीरत सिंह को पराजित कर दिया गया और पूरी तरह से कलिंजर पराजित हो गया। यह पराजय की सूचना जैसे ही घायल शेर शाह सूरी को दी गई, वह सुकून के साथ मर गया। और इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि उसके जीवन की अंतिम लड़ाई कौन थी, तो कलिंजर का अभियान। यह घटना 22 मई 1545 को हुई और इसी दिन वह मर गया था। और यह मृत्यु उसके उक्का नामक एक अग्नियास्त्र, जिसे तोप कह सकते हैं, उसके कारण हुई थी। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपको बन जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ये अब बात करते हैं शेर शाह के उत्तराधिकारियों के बारे में, अर्थात शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके सूरवंश का क्या हुआ। सूरवंश शेर शाह के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके दो पुत्र थे, आदिल खां जो कि इसका बड़ा पुत्र था और जलाल खां जो इसका छोटा पुत्र था। शेर शाह ने मरने के समय अपने बड़े पुत्र को जो है राजा बनने के लिए उत्तराधिकारी घोषित किया।
लेकिन उसका छोटा पुत्र जिसे सरदार ज़्यादा पसंद करते हैं वह शासक बन जाता है और उसने एक उपाधि धारण की, इस्लाम शाह। इस प्रकार से 1545 से लेकर के 1553 तक जलाल खां जो छोटा पुत्र था इस्लाम शाह के नाम से शेर शाह का उत्तराधिकारी बन जाता है और उसने शासन की। आदिल खां जो उसका बड़ा भाई था उसके खिलाफ उसने संघर्ष किया और आदिल खां को हरा करके भगा दिया। इस प्रकार से वह निश्चिंत हो गया कि वास्तविक शासक जो है वो जलाल खां ही है जो इस्लाम शाह के नाम से शासक बना। उसके समय में कई जगह अफगान सरदारों ने विद्रोह करने का प्रयास किया। इसने सभी जगह घूम करके सरदारों के विद्रोह को दबा दिया और उन विद्रोहों को ऐसा दबाया कि सरदार इनसे डरने लगे। कहा जाता है कि इस्लाम शाह के समय प्रांतीय जो सूबेदार थे या सरदार थे उसके जूते तक को सलाम करने लगे थे। इसका मतलब है कि इसने अपने तलवार के दम पर एक मजबूत और बिल्कुल भी निर्दयी जो है वो उसने शासन स्थापित कर दिया, जिसके कारण सूर साम्राज्य का बाद में विखंडन भी हो जाता है, क्योंकि अत्यधिक तनाव में कोई भी साम्राज्य ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता था। बाद में बीमारी के कारण 1553 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद यह साम्राज्य अब बिखरने की स्थिति में पहुंच गया। इस्लाम शाह का पुत्र था जिसका नाम था फिरोज शाह। उसकी मृत्यु के बाद मात्र 12 वर्ष के पुत्र फिरोज शाह को शासक बना दिया गया। शासक बनने के मात्र तीन दिन बाद इस फिरोज शाह के मामा मुबारिज खां जिसे मोहम्मद आदिल की उपाधि धारण की थी, मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण की थी, जो आप पढ़ेंगे कि आदिल शाह के सेनापति हेमू ने द्वितीय पानीपत की युद्ध लड़ा था बाब अकबर के खिलाफ, तो वो अकबर के खिलाफ जो द्वितीय पानीपत का युद्ध होता है वो इसी मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति द्वारा होता है। तो मात्र तीन दिन बाद क्या किया, मुबारिज खां ने उसकी हत्या कर दी और हत्या करके गद्दी अपना ली। लेकिन इस क्रम में सभी अफगान जो सूबेदार थे वो अपने अपने जगह उभरने लगे और देखते ही देखते सूर साम्राज्य 5 भागों में बट गया। मुबारिज खां जो मोहम्मद आदिल शाह के नाम से शासक बना था वो भाग करके चुनार और बिहार के क्षेत्र में चला जाता है। इस प्रकार से मुबारक आदिल शाह का जो शासन क्षेत्र था वो चुनार से लेकर के बिहार तक हो गया। लेकिन एक प्रमुख शासक जो पंजाब के क्षेत्र में उभरता है जिसका नाम है सिकंदर शाह, या कहीं कहीं आपको सिकंदर सूरी के रूप से भी जाना जाता है, जो पंजाब से लेकर के आगरा और दिल्ली तक अधिपत्य कर लेता है। इस प्रकार से कहा जाए तो 5 भागों में सूर साम्राज्य विखंडित हुआ था, लेकिन 2 प्रमुख शासक उभर करके सामने आए, एक सिकंदर शाह और दूसरा मोहम्मद आदिल शाह। सिकंदर शाह जो था वो प्रतापी शासक था, उसने दिल्ली आगरा और पंजाब के क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया और अपने साम्राज्य को बचाने का प्रयास किया। इस्लाम शाह के समय भी हुमायूं का आक्रमण हुआ था, लेकिन इस्लाम शाह ने हुमायूं के आक्रमण को असफल कर दिया था। लेकिन अब हुमायूं पुनः भारत में लौट के आया और सिकंदर शाह उसको नहीं रोक पाता है, और आपने पढ़ा था कि सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित कर दिया और सूर वंश को समाप्त कर पुनः मुगल वंश की उसने स्थापना कर दी। तो इस तरह से आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे याद रख सकते हैं। दिल्ली में जहाँ उसने सूर्यवंश की स्थापना कर दी, सूर्यवंश की समाप्ति करके मुगल वंश की स्थापना कर दी, वहीं चुनार और बिहार के क्षेत्र में जो मोहम्मद आदिल शाह था और उसका सेनापति हेमू था, उस हेमू ने दिल्ली पर बचाने के लिए अभियान चलाया और एक और युद्ध लड़ा जाता है जिसे पानीपत का दूसरा युद्ध कहते हैं, जो अकबर के समय लड़ा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सूर वंश के समाप्ति तक का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में मूल रूप से हमने शेर शाह से प्रारंभिक जीवन, उसके प्रारंभिक संघर्ष, उसके उत्तराधिकारी और उसके साम्राज्य के संबंध में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग शेर शाह सूरी से संबंधित उसके प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, जहाँ से सबसे ज़्यादा इस वीडियो से यानी इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और एक कहानी की तरह विभिन्न बिंदु आपको याद हो गए होंगे। इसे पेन डाउन कर लें और एक बार इसे बुक के माध्यम से भी जरूर पढ़ने का प्रयास करें। इसके अलावा इससे जुड़े हुए टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडुटेरिया टेस्ट सीरीज पर भाग ले सकते हैं, जिसमें होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।